गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 एंड केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्मों से पैन इंडिया में धूम मचाने वाले कन्नड़ फिल्मों के निर्माता अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात की जानकारी प्रोडक्शन हाउस होमले फिल्म्स के को-फाउंडर विजय किरागंदु ने एशियानेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में दी है। विजय किरागंदु ने कहा, बॉलीवुड में जाने का प्लान है लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। हमारी बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर से बात चल रही है, वे आगे कहते हैं हम साउथ इंडियन फिल्में पहले से ही बना रहे हैं और हिंदी फिल्में के लिए हमारी प्लानिंग है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 3 से 4 महीनों में हम इसकी घोषणा कर देंगे। प्रोड्यूसर विजय किरागंदु ने इस दौरान अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा, फिलहाल हम एक तमिल और एक मलयालम फिल्म बना रहे हैं। इसके अलावा हम कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में तो काम कर ही रहे हैं। होमले फिल्म की अगली पेशकश प्रभास स्टारर फिल्म सलार है। इसका निर्देशन केजीएफ फिल्म प्रशांत नील ने ही किया है। इस फिल्म को तेलुगु के साथ साथ हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। भाई दोस्तों बात कर लेते हैं, ऐसा रहा फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के दोनों पार्ट्स का कलेक्शन। अगर फिल्म केजीएफ की बात करें, यश स्टारर फिल्म का पहला पार्ट 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुआ था, जिसे क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों का भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला था। पहले पार्ट के हिंदी वर्जन ने लगभग 40 करोड़, सभी वर्जनों में पैन इंडिया लगभग 186 करोड़, वर्ल्ड वाइड तकरीबन 250 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इस तरफ फिल्म का दूसरा पार्ट दी वर्ल्ड में अभी तक 435 करोड़, सभी वर्जनों में पैन इंडिया के हिसाब से 990 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में लगभग 1250 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुका है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल 2022 को सभी सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। यह वर्ल्ड वाइड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में दंगल और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद तीसरे स्थान पर है।